अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभरु प्रथमे हेडलाइंस पुणी चाषी रोषर शिकार मंत्री प्रताप जेना सुंदरगढ़ टांगरपाली ने मंत्री को घेरिले चाषी धान बिक्री एवं टोकन बंटन में अनियमितता को नहीं विरोध प्रदर्शन विधानसभा सरकारी बाबू जंगल विभाग डेप्युटी रेंजर को पांचटी स्थान में एककालीन चढ़ऊ बैंक आकाउंट ठू अलंकार समस्त संपत्तिर जांच चढ़ऊ में चारोटी जिलार विजिलेंस टीम सामिल पश्चिम दक्षिण ओडिशारे हाईकोर्ट बेंच स्थापन लागि ओडिशा सरकार को अनुरोध लोकसभा बलांगीर सांसदों प्रश्नर उत्तर रखिले केन्द्र आईन मंत्री कहले जाए केन्द्र को देना प्रस्ताव राजधानी में विभत्स हत्याकांड दुर्वृत्तों आक्रमण में स्वामी मृत स्त्री गुरुतर पारिवारिक कलह को केन्द्र कर मर्डर जड़े अभियुक्त गिरफ घटनास्थल को जीव साइंटिफिक टीम भुवनेश्वर मुंडविहीन महिला मृतदेह उद्धार घटना पुलिस को मिला कटामुंड महिला परिचय मृतक राजधानी आखपाख जिलार होता सूचना एवं सुप्रीम कोर्ट गला कोटिया प्रसंग आंध्र करुवा निर्वाचन को नहीं कोर्ट को द्वारस्थ हेले ओडिशा सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को विरोध में अदालत अवमानना मामला रुजु असंतोषर शिकार हेले मंत्री प्रताप जेना सुंदरगढ़ रे मंत्री प्रताप जेना को घेरिले शताधिक चाषी सर्किट हाउस रे मंत्री को चाषी घेराउ करबा सह विरोध प्रदर्शन करिछंते धान बिक्री एवं टोकन बंटन रे अनियमितता को नै केन्द्र करी चाषी को मध्य रे असंतोष देखा दैछि जाकु नै कोनोसी एक कार्यक्रम को आसीथिबा बेले प्रताप जेना को चाषी माने घेरिथिले सूचना अनुसार गतकाली बी टांगरापाली ब्लॉक रे मंत्री को घेरिथिले चाषी पश्चिम दक्षिण ओडिशारे हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग स्थायी बेंच स्थापन पर केन्द्र को अनुरोध करिछंती ओडिशा सरकार किंतु वास्तव कथा ए पर्यंत ओडिशा सरकार स्थायी बेंच पर केन्द्र को प्रस्ताव देना बुधवार लोकसभा बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव प्रश्नर उत्तर दे एभली स्पष्ट भाषा दोहराई केन्द्र आईन और न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद हाईकोर्ट को सह परामर्श करी बेंच पाई स्थान चिन्हट करबा सह एक विस्तृत समन्वित प्रस्ताव देबा पाई केन्द्र पक्षरु ओडिशा सरकार को अनुरोध करा जायछे किंतु ए पर्यंत कोनोसी उत्तर मिली नाही तेणु हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग एबे राज्य सरकार को निकट रे ही अटकी रहिछि बोली मंत्री श्री प्रताप मंत्री श्री प्रसाद निज उत्तर रे उल्लेख करिछन्ते परवर्ती खबर को विजिलेंस रे सरकारी बाबू बलांगीर जंगल विभाग डेप्युटी रेंजर केशव कुमार नायक विजिलेंस रे पड़िछंते आर्भूत संपत्ति ठूल अभियोगे पांचटी स्थान में एककालीन चढ़ऊ कर बलांगीर सहर सगरपड़ा इंदिरानगर गुप्तेश्वर नगर घर एवं सोनपुर सहर मझीपड़ा ठारे पैतृक घर ऑफिस रे चढ़ऊ जारी रही बैंक अकाउंट अलंकार नगद टंका जगाबाड़ी कागजपत्र जबत करी संपत्ति आकलन करुछि विजिलेंस चढ़ऊ रे बलांगीर बरगड़ संबलपुर एवं सोनपुर जिलार विजिलेंस टीम सामिल होइछन्ते अधिक सूचना पाई हम बलांगीर प्रतिनिधि तरुण आम सहित जोड़ तरुण जो सरकारी बाबू जनक विजिलेंस हाथ में धरा पड़ती वर्तमान सुधा चढ़ऊ जारी रही ना नहीं वो केते परिमाण रो संपत्ति वर्तमान सुधा विजिलेंस हाथ में लगी हाँ देखो निवेदिता आज सका विजिलेंस विभाग चारोटी टीम सोनपुर बलांगीर बरगढ़ और संबलपुर टीम जो बलांगीर जिला डेप्युटी रेंजर प्रशांत केशव कुमार नायक घर चढ़ाऊ चली चढ़ाऊ वर्तमान सुधा चली जेहेतु आर बर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग एककालीन पांचटी जगार केशव कुमार नायक घर पांचटी जगार चढ़ऊ चली जो चढ़ऊ रही बलांगीर जिलार सगरपड़ा इंदिरानगर घर गुप्तेश्वर नगर घर और सोनपुर सहर मझीपड़ा ठार पैतृक घर में चढ़ऊ चली चढ़ऊ में जेहेतु पैतृक घर कथा आसू सबुठी चढ़ऊ एककालीन चढ़ऊ चली चढ़ऊ में पाखापाखि चारोटी टीम एककालीन चढ़ऊ कर जो चढ़ई चलती आर बर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग चढ़ऊ चली चढ़ऊ परिमाण में बैंक अकाउंट अलंकार और नगद टंका जगाबाड़ी यू को तन्न तन्न जांच करुच्ची विजिलेंस विभाग
तेरे जो बलांगीर जिले में पूर्व एककालीन चढ़ऊ चलता जो फॉरेस्ट विभाग में व्यापक दुर्नीति होता नहीं विभिन्न जिलार जो मुरीवाल रेंजर कथा कहतु बलांगीर कथा कहतु आज पुणी बलांगीर रेंजर जो डेप्युटी रेंजर रही केशव कुमार नायक घरे विजिलेंस विभाग चढ़ऊ कर गत डेढ़ मास धरी विजिलेंस विभाग चढ़ऊ जारी रखिता बेले आगामी दिन में चढ़ऊ जारी रहा तेज आज जो चढ़ऊ चलती केशव कुमार नायक घरे पांचटी जगार एककालीन चढ़ऊ कर जहां भिजुआल रही जो सुना अलंकार जबत कर जमी बाड़ी संपर्कित कागजात विजिलेंस विभाग हाथ में लगी वर्तमान सुधा चढ़ऊ जारी रही तेज केते मोट केते टंकार आयर बहिर्भूत संपत्ति से ठोल करती वर्तमान विजिलेंस विभाग जांच करुच जांच पर संध्या सुधा ये पूरा केते टंकार आयर बहिर्भूत से संपत्ति ठोल अभियोग कर ठोल कर जो डेप्युटी रेंजर केशव कुमार नायक अर्थात तरुण वर्तमान सुधा मध्य चढ़ऊ जारी रही विजिलेंस टीम माने वर्तमान सुधा तदंत कर संध्या सुधा स्पष्ट हो केते परिमाण रो संपत्ति से वर्तमान सुधा ठूल कर बहुत बहुत धन्यवाद तरुण आपण का तमाम सूचना पाई। मेट्रो रेल नेटवर्क विकास पर राज्य सरकार एपर्यंत कौन प्रस्ताव मिलना बोली राज्यसभा गृह निर्माण और नगरांचल व्यापार स्वाधीन राष्ट्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते ओडिशारे मेट्रो रेल नेटवर्क कौन योजना अच्छी कि बोली राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव प्रश्न करते तेरे प्रश्न उत्तर दे मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते राज्य सरकार दायित्व राज्य सरकार प्रस्ताव रखिले केन्द्र सरकार सहरांचल में मेट्रो रेल योजना पर आर्थिक सहायता जगाई था किंतु ओडिशा सरकार पक्षर एजाए मेट्रो रेल विकास कौन प्रस्ताव आसीना बोली हरदीप सिंह पुरी कहते राजधानी में विभत्स हत्याकांड दुर्वृत्तों मणातक आक्रमण में स्वामीर मृत्यु होता बेले स्त्री गुरुतर होती मंचेश्वर झरण साहि घटी एभली अभावनीय घटना मृतक छोटेलाल बेसेरा छोटेलाल पत्नी घटन गुरुतर होता बेले झील आहत होती गुरुतर पत्नी को प्रथमे कैपिटल हॉस्पिटल और अवस्था गुरुतर होवु कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतर कर पारिवारिक कलह को केन्द्र कर हत्याकांड जमापड़े गतकाली राति एगारटा समय घटना घटी सूचना आसू तेरे जड़े अभियुक्त को पुलिस गिरफ्त करता बेले मारणास्त्र जबत हो घटन तीन रु चारज संपुक्त सन्देह करटनास्थल को साइंटिफिक टीम जा तदंत कर भुवनेश्वर मुंडविहीन महिला मृतदेह मिलवा घटना पुलिस को मिला मुंडविहीन महिला परिचय मृतक राजधानी आखपाख जिलार होता सूचना मिली प्रेसमिट कर सविशेष तथ्य देव कमिश्नरेट पुलिस फेब्रुआरी 4 तारीख में राजधानी उपकंठ चंदका दासपुर अंचल कटामुंड महिला मृतदेह मिलता तेज महिला जनक परिचय कौन और किए तावस भाव हत्या कला और हत्याकांड पक्षर कारण कौन छानबीन करुच्छे पुलिस एपरिक महिला परिचय दे 50,000 टंका मिल चारे पोस्टर लगे कमिश्नरेट पुलिस एवं मृतकों परिचय मिलवा पर पुलिस तदंत आगे खोर्धा जिला बेगुनिया थाना गोड़ा काजु जंगल युवकों झुलंता मृतदेह उद्धार मृतक युवक सामंतरापुर गांव उपेन्द्र कुमार पाइकराय दुई दिन है निखोज थे उपेन्द्र सेलून को जाऊँगी युवक फेरी नरार लोके काली संध्यारे गांव काजु जंगल पुअर गाड़ी पड़ता खबर पाई पर लोके खोजाखोजी कर समय पुअर मृतदेह देखा पाई खबर पाई बेगुनिया थाना पुलिस घटनास्थल में पहुंच मृतदेह जबत घटनार तदंत चल मयूरभंज जिला कप्तिपदा थाना कालियाशूल निकटे मर्मतुद दुर्घटना भारसाम्य हर गछरे पिटीला बाली बोझे ट्राक्टर घटनास्थल में दुई जन मृत्यु होता बेले अन्य दुई जन गुरुतर होते विलंबित राति में ट्राक्टर टी पोड़ाढ़िया नुदढ़िया अभिमुखे आसुवा बेले कालियाशूल छक निकटे गछरे पिटी हो जाता मृतक और गुरुतर मैंने स्थानीय मांकडिया कलोनी होता जमापड़े मृतक दुईज कांकड़िया मिटू मांकड़िया आहत को चिकित्सा पर मेडिका भर्ती कर खबर पाई कप्तिपदा पुलिस घटनास्थल में पहुंच तदंत आरंभ कर।
गंजाम जिला खलिकोट थाना भेजीपोट फांदी निकटे दुर्घटना। ट्रक धक्का देवारु रास्ता उपर ओलटी पड़ा अटो, एथिरे दुई जन गुरुतर आहत होती। अटोटी बालुगां अभिमुखे जाउथवा बेले गछरु आसुथिबा क्षमा करिबे पछरु आसुथिबा मिनी ट्रक धक्का देइतला। गुरुतर दुई जन भेजीपोट गांर अमिता साहू और रिंकु राज महाराणा। स्थानीय लोकंक सहयोगरे उभयंकु खलिकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जायछे। खबर पाई पुलिस पहुंची ट्रकटी को जबत कर तदंत चलायछे। कोरापुट जिला कोटियारे आंध्र प्रदेश सरकार निर्वाचन घटना को नहीं ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होती। 2006 मसीह कोटिया सीमा बवाद प्रसंगे सुप्रीम कोर्ट देखा पूर्णांग राय को आंध्र प्रदेश सरकार पालन करनथिबा ओडिशा अदालत अवमानना मामला रुजु करिछि। राज्य सरकार को वकिल शिवशंकर मिश्रंक सह नुआदिल्ली रे ओडिशा सरकार को अधिकारी माने कोटिया सीमा बवाद प्रसंगे आलोचना करिबा परे सुप्रीम कोर्ट रे ओडिशा पक्षरु आंध्र प्रदेश सरकार को विरोध रे अदालत अवमानना रुजु होइछि। या सहित एहि पिटीशन रो त्वरित सुनाणी पाई मध्य ओडिशा अनुरोध करिछि। 1968 मसीह कोटिया सीमा प्रसंग उपरे स्थितावस्था बजाय रखिबा निमन्ते सुप्रीम कोर्ट निर्देश देथिले। बेआईन करतकल उपरे वन विभाग रो चढ़ो। पुरी जिला डेलांग थाना हाकोपड़ा स्थित प्रताप स्वाईं बेआईन करतकल उपरे चढ़ऊ करिछि वन विभाग। खोर्धा वन विभाग डेलांग वन विभाग कर्मचारी एवं डेलांग पुलिस मिलित भाव चढ़ऊ कर बहु जंत्रांश और मूल्यवान काठ सबू जबत करिछन्ते। जबत सामग्री मूल्य सठिक भाव आकलन करा बेले अपराह्नरे सविशेष तथ्य देबे बोली कहिछन्ति डेलांग रेंजर। विचारपति एक्सपायरी सामग्री बिकी अड़ुआ स्नाक्स और मिठा दोकानी। मंगलवार फुलवाणी कोर्टर जड़े विचारपति दही आने जड़े कर्मचारी को सहर महांती स्नाक्स आंड स्वीट्स दोकान को पठाई। कर्मचारी जनक दही ताकु खाई विचारपति देह हठात असुस्थ हो पड़ा। यापर दही एक्सपायर हो जापड़ा। एने विचारपति जनक अतिरिक्त जिलापाल अवगत करते। फूड इन्स्पेक्टर नवकिशोर साहू निज टीम सह बुधवार महांती स्नाक्स दोकान को जाई जांच आरंभ करते। बहु खाद्य सामग्री एक्सपायरी हो जाता देखा पाई। जबत सामग्री सांपल को लैबोरेटरी को पठाज आईन अनुसार कार्यानुषान दिजाई फूड इन्स्पेक्टर। बर्तमान आमर गोटे कम्प्लेन आसला गत काली एसडीजेएम मैडम तरफ गोटे कम्प्लेन आसला जड़े कोर्ट स्टाफ के जन नहीं आमर महांती स्नाक्स एंड कुल गोटे प्रडक्ट जाता दही रही गोटे एक्सपायरी जिनसटा रही जाइला। से एक्सपायरी प्रडक्ट नेलापर तर कि देह स्वास्थ्य टे खराब था बोली आमको कम्प्लेन आसला। एडीएम को एडीएम आमर कंधमाल अच्छा से आमको इनफर्मेसन देते जाटा भिजिट करने तेणु आम आसिक बर्तमान से प्रिमिसेसटा भिजिट कर सहित डिटेल्स आम जो फूड अच्छी एवरी कैटेगरी फूड आम बर्तमान से चेकिंग कर। फुटबॉल खेल अति चिर परिचित नाम। दिने अफसा काश्मीर में कार्यरत थिबा सुरक्षाकर्मी को ऊपर को पत्थर फेंगिथिले एवं तांको फोटो पूरा देश में वायरल होइथिला। वायरल होइथिबा एही झियो आजिर दिन में स्टार फुटबॉलर अफसा सह अधिक आलोचना करथिले आम प्रतिनिधि कलिंग शिपंडा। स्वागत है आपको अर्गस न्यूज में। स्टोन पेल्टर से फुटबॉल स्टार अफसा जी, क्या ये सच है सुरक्षाकर्मी के ऊपर आपने पत्थर मार की थी? उस दिन का सच क्या था? वो जो एक दिन लोगों ने याद रखा स्टोन पेल्टिंग का, उससे पहले भी मैं फुटबॉलर थी। वो तो मुझे लगता है मेरे फुटबॉल करियर में जस्ट उसके बीच में एक दौरान एक दिन ऐसा आया था जिस दिन मुझे पत्थर उठाना पड़ा था और वो पूरी दुनिया को पता है। मैंने रीजन दिया था कि क्यों उठाना पड़ा था कि हमारे साथ कोई भी बदतमीजी करे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जबकि मालूम है कि हमारे स्टेट में अगर कोई लड़की आगे जा रही है उसकी बात ना सुनकर उसके साथ बदतमीजी कर तो ऑब्वियसली डेफिनेटली हमें उस टाइम पे वही एक चीज सोल्यूशन लगी थी। बट डेफिनेटली उस चीज के बाद जो भी हमें रेस्पॉन्स मिला
या जितना भी एक्शन उस चीज पे लिया गया हमारी यूटी की तरफ से वो बहुत ही काबिल तारीफ था। अच्छा, घर में क्या बोला आपने इस मैटर के बारे में? ऑब्वियसली जो सच था मैं मुझे वो बोलना पड़ा मेरे घर पे कि एक्चुअल में बात क्या हुई थी वहाँ पे, तो उस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। अफसर जी, फुटबॉल को क्यों आपने चुना? परिवार का सपोर्ट किस तरह मिल रहा था आपको? फुटबॉल का मुझे शौक इस तरह आया, जो हमारे JNK में एक कोच थे अब्दुल्ला सर, वो उस टाइम पे आई गेस 74 उनकी एज थी तब जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था 7 साल पहले। उन्होंने वो इनिशिएट लिया कि नहीं, अगर लड़के यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, लड़कियों का फुटबॉल भी लोगों तक आना चाहिए, लड़कियां भी अपने घरों से निकल के फुटबॉल को देखनी चाहिए कि नहीं फुटबॉल भी कोई ऐसा गेम है जो हम खेल सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे स्पोर्ट्स थे विदाउट फुटबॉल। तो उनको मुझ में वो आग दिखी बोल सकते हैं, या वो पैशन दिखा मुझ में कि मैं उस चीज को आगे लेके जा सकती हूँ। आप 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित फिट इंडिया प्रोग्राम में थे और उस प्रोग्राम में कोहली और एक्टर मिलिंद भी शो में थे, वो पल आपके लिए कैसा था? वो पल ऑब्वियसली मेरे लिए एक फखर का टाइम था कि मुझे मेरी यूटी से चुना गया, जबकि लोग मुझे उतना सपोर्ट नहीं देते थे जितना देना चाहिए था मुझे मेरी यूटी से। बट डेफिनेटली जब वो एक चीज मेरे पास आई कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने मुझे चुना उनसे बात करने के लिए फिट इंडिया एनिवर्सरी पे, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक गर्व की बात थी कि मुझे मेरी यूटी से चुना गया। जम्मू कश्मीर अब कितना बदल गया है पहले की तुलना में, अब क्या बदल रहा है? मुझे ऐसा फील होता है जितना मैं जम्मू कश्मीर में बहुत टाइम तक थी नहीं, मैं अभी 4-5 साल कोविड की वजह से जम्मू कश्मीर मुझे जाना पड़ा, जो वो 1 साल मैंने जम्मू कश्मीर में देखा है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स जी, जो बदलाव आया है कश्मीर में, लड़कियां आगे आ रही है। आप लड़कों की बात छोड़े तो मैं अपने गर्ल्स की बात करूं तो लड़कियां जितनी भी है वहां पे वो आगे आ रही है, अपने माँ बाप को वो सीधा अपने माँ बाप को आगे लेकर आ रही। आपका जीवन का एक ऐसा पल जिसे आप हमेशा याद रखेंगे? मेरे जीवन का मुझे लगता है मेरा एक इम्पोर्टेंट पल ऐसा है जब मेरे डैड ने मुंबई आके पहली बार मुझे खेलते हुए देखा था, और वो ऐसे ग्राउंड पे देखा था, ऐसे मौसम में देखा था जब सबको पता है मुंबई में बरसात कैसी होती है। कोरापुट जिला कोटिया आंध्रप्रदेश सरकार निर्वाचन घटना को नहीं ओडिशा सरकार सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होती 2006 मसीह कोटिया सीमा बद प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट दे पूर्णांग राय को आंध्रप्रदेश सरकार पालन करशा अदालत अवमानना मामला रुजु करे। तेज अधिक आलोचना करने आम गजपति प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक आम सहित जोड़ जितेन्द्र, जो भाव कोटिया आंध्रप्रदेश सरकार निर्वाचन घटना को नहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होती कौन रही अधिक अपडेट आप? पंचायत निर्वाचन जो अच्छी निर्वाचन तमाम प्रस्तुत हो जाए आंध्र सरकार से ही समय जिला प्रशासन पक्ष गोटे उपजिलापाल पक्ष गोटे टीम गठन कर दुई जन प्रार्थी को सेने विड्र कर जिला प्रशासन अंत जो जाना पर जिला प्रशासन पहुंची थे गाँ जगह जहाँ आंध्र सरकार नियम अनुसार आंध्र सरकार जो कल अच्छी रेशन कथा कह जाऊ भत्ता कथा कह जाऊ जमी पठा कह जाऊ आंध्र सरकार से घर पहांटी पहुंची से सबू सबू प्रकार सुविधा सुजोग दौरान किंतु ओडिशा सरकार पंचायत अफिस् कि ब्लक कार्यालय पहुंचे समस्त प्रकार सुविधा पा जो जो सीमांतवर्ती अंचल ओडिशार ग्रामवासी लोक मैंने आंध्र सरकार को भल पा आंध्र सरकार को भोट देखा निर्धारित करते किंतु जिला प्रशासन तमाम चार्ज जानना पर विद्रोह कर बर्तमान दुई जो आगामी 13 तारीख निर्वाचन तमाम प्रस्तुत होती आंध्र सरकार से जिला प्रशासन पक्ष नीतिदिनिया से ग्राम जो मध्याखल गंगार पंचायत मध्याखल कथा कह जाओ गुड़खुड़ी कथा कह जाओ ये तमाम जिला को जिला प्रशासन पक्ष गोटे गोटे टीम करीतिदिनिया गस्त करपाल तमाम घटना पर दृष्टि रखते जिलापाल।
तबे बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपण सूचना पाई। तबे 2006 मसीह रे कोतिया सीमा विवाद प्रसंग रे सुप्रीम कोर्ट जो पूर्णांग राय देथिले तबे आंध्र प्रदेश सरकार याकु सठिक रूपे पालन करनांती जोंति पई ओडिसा अदालत अवमानना मामला रुजु करिछे। तबे लिंगराज मंदिर परिसर रे बाइल प्रत्याहार को नै एक प्रेस मीट सामना को आसुछ आसु नजर पकाइबा। लिंगराज मंदिर को अलगा कर दुछ माने माने बतन राजनीति दल बतन ठाकुर को भागभाग करबा पे चेष्टा करछु जो जो माने जो माने जगन्नाथ मंदिर पे कि प्रत्याहार करिक अंतवास देव ब्रह्मेश्वर मंदिर टा को रखिले से ठाकुर को भागभाग करछु कारण योजना राज्य सरकार योजना सबुठी चली जगन्नाथपुर चली लिंगराज क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र में चली तेणुक राज्य सरकार योजना करते योजना नई एस आई 50 वर्ष आसला जिते लोक मैंने घर द्वार माड़ बस जबरदस्त जबरदखल करते एस आई कौट जाइला भाग भाग निश्चित राजनीतिक दल मान भाग षड़यंत्र जे करिथिबे जे जे आईन टाकु जे विज्ञप्ति जारी करछ से निश्चय षड़यंत्र करथि निश्चय सान्य विधायक काल ट्वीट करिके कहिछ विधायक एथिबे मुह खोलि सालानी को कहिछन्ति कहिछ जे ट्वीट ट्वीट करछन सुनत आगे ट्वीट करछन से कोनोसी राजनीतिक दल तेबे दीनदयाल उपाध्याय पुण्य वार्षिक अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण पर नजर पकाइबा। पहले भी अनेकों अवसर पर हमें दीनदयाल जी से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने का अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ठ जनों से विचार सुनने का अवसर मिलता रहा है। यहां पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदस्य हैं दीनदयाल जी जिसके मुखिया की तरह एक प्रेरणा की तरह अविरत रूप से हमें प्रेरणा देते रहे हैं। आप सबने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है और इसलिए आप सब उनके विचारों से उनके समर्पण से भली भांति परिचित हैं। मेरा अनुभव है और आपने भी महसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दीनदयाल जी के बारे में सोचते हैं बोलते हैं सुनते हैं उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं हमें उनकी बातों में उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी एक नई नया दृष्टिकोण एक नवीनता का अनुभव होता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है। एकात्म मानव दर्शन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था, इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्न होगा मानवता के कल्याण की बात होगी दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा। एकात्म मानव दर्शन में विशेष रूप से इन तीन शब्दों में व्यष्टि से समष्टि की यात्रा व्यक्त होती है, स्वार्थ से परमार्थ की
परमार्थ की यात्रा का मार्ग स्पष्ट होता है और मैं नहीं तू ही का संकल्प भी सिद्ध होता है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राज। तेज समय सरचु बुलेटिन को एड रखु। नमस्कार।